दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सा। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि साइकिल यात्रा पर निकले अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। कहा सपा जीतेगी 400 सीटें, बीजेपी को नहीं मिलेंगे प्रत्याशी। वहीं संसद घेराव में पहुंचे राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। बोले हर युवा के फोन में मोदी ने डाल दिया पेगासस हथियार। वहीं दो दिन के लिए यूपी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 7 को लखनऊ और 8 को आगरा में होगा बैठकों का दौर। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा ऐलान। बोले कृषि राज्य का विषय, केंद्र के कृषि कानूनों को सिरे से किया जाए खारिज। वहीं पूरे देश में तिरंगा रैली निकालेंगे किसान। 15 अगस्त को किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस मनाने का किया बड़ा ऐलान। वहीं पंजाब के रण से पहले कैप्टन पड़े अकेले। प्रशांत किशोर ने मुख्य सलाहकार पद से दे दिया इस्तीफा। वहीं जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से मांगा जासूसी का सबूत। अब 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। वहीं यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में पहुंचे राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के वादे का क्या हुआ। वहीं खिलाड़ी जीत का गोल कर रहे, कुछ लोग सेल्फ गोल में जुटे। हॉकी विजय के बहाने पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला तगड़ा हमला। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, साइकिल यात्रा पर निकले अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। कहा सपा जीतेगी 400 सीटें, बीजेपी को नहीं मिलेंगे प्रत्याशी। यहां आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की साइकिल के बहाने यूपी की सत्ता में वापसी की पूरी तैयारी है। इसके लिए लखनऊ में उन्होंने साइकिल यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अब तक 350 हम कहते थे, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि हम 400 सीटें जीतेंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। बीजेपी आजकल अपराधियों के करीब पहुंच गई है। साइकिल यात्रा पर निकले सपा अध्यक्ष ने कहा कि साइकिल यात्रा का मकसद बदलाव है। बीजेपी सरकार की नाकामियों से हर वर्ग परेशान है। जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि चुनाव तक पार्टी लगातार कार्यक्रम को आयोजित करती रहेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का वादा था। आज उत्तर प्रदेश का किसान जानना चाहता है कि काले कानून के बाद जिस तरीके से मंडी बंद हो चुकी है, क्या उनकी आय दोगुनी हुई? आज भी किसानों के गन्ने का बकाया नहीं मिला। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी हारेगी और यूपी में समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतेगी। और ये बड़ी खबर, संसद घेराव में पहुंचे राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। बोले हर युवा के फोन में मोदी ने डाल दिया है पेगासस हथियार। ये आपको बता दें कि भारतीय युवा कांग्रेस ने देश में आसमान छूती महंगाई, बेलगाम बेरोजगारी, काले कृषि कानून एवं पेगासस जासूसी कांड के खिलाफ संसद का घेराव किया। भाजपा भैंस से भाग रही है, मगर इसी बीच बिल पारित कर रही है। केंद्र सरकार का मतलब साफ है कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने से उनका कोई भी सरोकार नहीं है, इसलिए संसद को नहीं चलने दिया जा रहा। इस अवसर पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने संसद घेराव में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य भारत के युवाओं की आवाज को दबाने का है। ये जानते हैं कि जिस दिन भारत के युवाओं ने सच बोलना शुरू कर दिया, उसी दिन सरकार खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार ने सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, बल्कि आप सभी के अंदर, हर युवा के फोन के अंदर पेगासस हथियार डाल दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि युवा कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जिसने अकेले कोरोना काल में लड़ाई लड़ी और जनता की मदद की। यूथ कांग्रेस का काम हिंदुस्तान के युवाओं की आवाज को मजबूत करने का है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये काम युवा कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि संसद के मानसून सत्र के कम से कम 89 घंटे बर्बाद हुए हैं। इन सब का नुकसान आम जनता को ही उठाना पड़ा है। जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों पर विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता। और ये बड़ी खबर, 2 दिन के लिए यूपी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 7 को लखनऊ और 8 को आगरा में होगा बैठकों का महादौर। ये आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ 7 अगस्त को लखनऊ में तो 8 अगस्त को आगरा में बैठकों का दौर चलेगा। उत्तर प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने के लिए विपक्षी दलों की चुनौती का सामना किस तरीके से करना होगा, इस पर वो निर्देश देंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। वहीं भारतीय पार्टी अपनी तैयारियों में सबसे आगे दिख रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश यानी जेपी नड्डा 7 अगस्त को लखनऊ पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने के लिए विपक्षी दलों की चुनौती का सामना किस तरीके से करना होगा, इस पर कड़े निर्देश दिए जाएंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा संबोधित करेंगे। इतना ही नहीं, सभी जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को सम्मानित करने
की भी बीजेपी ने तैयारी की है। इस तरीके से बीजेपी की बड़ी प्लानिंग है कि किस तरीके से विपक्षियों को चारों खाने चित किया जाए। और बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा ऐलान, बोले कृषि राज्य का विषय, केंद्र के कृषि कानून सिरे से किए जाएं खारिज। ये आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक चार्टर सौंपा। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को एक चार्टर सौंपा और उनसे चर्चा की है। हमें केंद्र के कृषि कानूनों को सिरे से खारिज करने की जरूरत है, संशोधनों की नहीं। राज्य को कृषि पर बनाने का अधिकार है, ये राज्य का विषय है। गौरतलब है कि कांग्रेस केंद्र के तीनों नए कृषि कानूनों का पुरजोर विरोध कर रही है। ये पहली बार नहीं है जब नवजोत सिंह सिद्धू ने कृषि कानूनों का विरोध किया है। वे इस मुद्दे पर किसानों के समर्थन में रैली भी निकाल चुके हैं। हाल ही में राज्य के सामने 5 प्रमुख मुद्दों को उठाया था। इसमें उन्होंने पिछले साल केंद्र द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को खारिज करने का भी आह्वान किया था। आपको बता दें कि उधर आज श्रोमणी अकाली दल के हरसिमरत कौर बादल ने किसानों का मुद्दा नहीं उठाने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि राहुल गांधी 4 पार्टियों को बुलाते हैं। अफसोस की बात है कि ट्रैक्टर तो चला लेते हैं परंतु किसान की बात नहीं बल्कि पेगासस की बात उठाई जा रही है। जरूरी पेगासस भी है परंतु किसान की जिंदगी से ज्यादा जरूरी तो नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये पार्टीबाजी दिखा रहे हैं, किसान के मुद्दे पर हमारे साथ आकर खड़े नहीं होते। हम तो सबके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। अगर ये बड़ी पार्टियां साथ देती तो सरकार कैसे नहीं झुकती। हकीकत ये है कि ये सियासत खेलते हैं। गौरतलब है कि पिछले साल केंद्र द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों का विपक्ष और किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच में कई दौर की बातचीत हुई लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। संसद के मानसून सत्र के दौरान किसान संगठन दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद चला रहे हैं। अगली बड़ी खबर, पूरे देश में तिरंगा रैली निकालेंगे किसान। 15 अगस्त को किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस मनाने का किया बड़ा ऐलान। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों की खिलाफत कर रहे किसान 15 अगस्त को किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस मनाने की बड़ी तैयारी में है। इस दिन किसानों की पूरे देश में तिरंगा मार्च निकालने की बड़ी योजना है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बात का ऐलान कर दिया है। 40 किसान संगठनों के इस मोर्चा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 15 अगस्त को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालयों पर सभी किसान और मजदूर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय झंडा लेकर सभी साइकिल, बाइक, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर पर सवार होकर निकलेंगे। गौरतलब है कि कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान जंतर मंतर पर अपनी संसद चला रहे हैं। गौरतलब है कि किसान संसद चला रहे हैं और उन्होंने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है और किसानों ने 15 अगस्त को ट्रैक्टर रैली, बाइक रैली, साइकिल रैली निकालने का बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, पंजाब के रण से पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह पड़े अकेले। प्रशांत किशोर ने मुख्य सलाहकार पद से दे दिया इस्तीफा। ये आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के चंद दिनों के बाद ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्य सलाहकार पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को लिखे अपने पत्र में प्रशांत किशोर ने लिखा कि वो अपनी जिम्मेदारी किन्हीं कारणों से नहीं निभा पा रहे और कुछ अरसे के लिए सार्वजनिक जीवन से अवकाश लेने चाहते हैं, लिहाजा उन्हें पद मुक्त कर दिया जाए। प्रशांत किशोर ने यह भी लिखा है कि अभी उन्होंने अपना भविष्य का राजनीतिक कदम तय नहीं किया है। प्रशांत किशोर का साथ छोड़ना कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि चर्चा गर्म है कि प्रशांत किशोर जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं और उन्हें चुनावी रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस संगठन में महासचिव चुनाव एवं रणनीति बनाया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की बात इस नेतृत्व से आखिरी स्टेज में है और जल्दी ही इस बाबत फैसला लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में पहुंचे राहुल गांधी। केंद्र सरकार से पूछा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के वादे का क्या हुआ। ये आपको बता दें कि भारतीय युवा कांग्रेस ने तेल की बड़ी कीमतों और पेगासस जासूसी के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है लेकिन पीएम मोदी रोजगार के मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलते। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़
करोड़ रोजगार दिए जाने का वादा किया था, उल्टा लाखों करोड़ों युवाओं से उनका रोजगार छीन लिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का काम हिंदुस्तान की सच्चाई को दबाने का है, उनका यही काम है। हिंदुस्तान के 2 से 3 उद्योगपतियों के लिए वो ये काम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि क्या हिंदुस्तान की सरकार रोजगार की बात करने देती है? क्या हिंदुस्तान की सरकार किसानों की बात करती है? अभी दिल्ली में छोटी सी बच्ची का बलात्कार हुआ, फिर उसकी हत्या हो गई, लेकिन क्या ये खबर आपने कहीं मीडिया में देखी? इनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के युवा की आवाज को दबाने का है, क्योंकि ये जानते हैं कि जिस दिन भारत के युवाओं ने सच्चाई बोलनी शुरू कर दी, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। और ये बड़ी खबर, ओलंपिक में हॉकी टीम की विजय के बहाने पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला तगड़ा हमला, कहा खिलाड़ी जीत का गोल कर रहे और कुछ लोग सेल्फ गोल में जुटे हैं। ये आपको बता दें कि फिलहाल संसद में जारी विपक्ष के हंगामे को लेकर पीएम मोदी ने एक बार फिर से विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष संसद को रोककर देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। आज ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को मिली जीत पर खुशी जताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ जहां पर खिलाड़ी जीत का गोल कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष राजनीति स्वार्थ के लिए सेल्फ गोल करने में जुटा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मायने नहीं रखता कि विपक्ष के लोग कैसे संसद की कार्यवाही को बाधित करने का काम कर रहे हैं। हमारा देश इस तरीके के स्वार्थ और राजनीति का बंधन नहीं हो सकता। बता दें कि पेगासस जासूसी कांड और 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर संसद में जारी विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही सुचारू रूप से न चलने को लेकर पीएम मोदी इससे पहले भी विपक्ष को आड़े हाथों ले चुके हैं। आपको बता दें कि फिलहाल 5 अगस्त के मौके पर लोगों को पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा, यह दिन इतिहास में दर्ज हो गया है, इसे हमेशा याद रखा जाएगा। 2 साल पहले आज ही के दिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था और इसी दिन बीते साल राम मंदिर की नींव रखी गई थी और आज ही के दिन 41 साल बाद हॉकी टीम ओलंपिक में मेडल लेकर आई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने साफ कर दिया है 5 अगस्त का दिन बेहद ही खास बन गया है। और ये बड़ी खबर, आरएलडी का बड़ा ऐलान, गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों से बात करके बनाएगी घोषणा पत्र। ये आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदले माहौल में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल अपने लिए बड़ा मौका देख रही है। किसानों को साधने के लिए पार्टी ने ऐलान किया है कि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे पश्चिमी यूपी के किसानों से चर्चा करके वो अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहे राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने बताया कि विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने के लिए समाज के सभी वर्गों से बात की जाएगी। घोषणा पत्र तैयार करने के लिए बनाई गई समिति सबसे पहले 7 अगस्त को दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर जाकर आंदोलन कर रहे किसानों से बात करेगी और उनके सुझावों को आरएलडी अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। आपको बता दें कि फिलहाल आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी को लोगों के मुद्दों की जानकारी तो है ही, लेकिन जन भागीदारी महत्वपूर्ण है, इसलिए लोगों की राय से घोषणा पत्र तैयार होगा, जिसे पार्टी ने लोक संकल्प पत्र का नाम दिया है। इसके लिए हर जिले में लोक संकल्प संवाद किया जाएगा। पूरी रूपरेखा तैयार करने के लिए दिल्ली में हुई घोषणा पत्र समिति की बैठक के बाद जयंत चौधरी ने ये बातें कही। सूत्रों की माने तो पार्टी जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी। अगली बड़ी खबर, बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी, राज्य के 9.5 लाख किसानों को पीएम किसान योजना से बाहर करने पर उठाए सवाल। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने मोदी सरकार को पत्र लिखकर प्रदेश के 9.5 लाख किसानों को पीएम किसान योजना के लाभान्वितों की सूची से बाहर किए जाने पर सवाल उठा दिए हैं। पश्चिम बंगाल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार लाभान्वितों के बैंक खाते में सालाना 6,000 रुपए भेजती है, जो कि 3 बराबर किस्तों में दिया जाता है। अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के किसानों को इस लाभ से वंचित किए जाने से चिंतित है। प्रदेश प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा, हमें यह समझ नहीं आता कि राज्य से इतनी बड़ी संख्या में किसानों को इस योजना के लाभान्वितों की सूची से बाहर क्यों कर दिया गया है। हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस मामले पर चिंता जताई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए और कृषि कानूनों का तुरंत समाधान हो, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।